Hi guys, how are you? Welcome to our YouTube channel Psycho Reaction. My name is Bilal Yaqub. My name is Amir. तो दोस्तों कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे और आज का दिन आपका बहुत अच्छा गुजरा होगा। यही दुआएं हमारी होती हैं हर वीडियो में। तो दोस्तों आज की वीडियो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। आज हम लेके हैं चेन्नई सिटी 2020 सिनेमेटिक व्यू। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारे नए आने वाली वीडियो बर वक्त आप तक पहुंच सके। मोस्ट अमेजिंग क्लिप आते ही आईटी व्यू। वाओ, इनकी रोड सेट करें पर भाई ये व्यू तो हम वगैरह है जिगजैग बने हुए। वाओ, टाटा कंपनी का बहुत बड़ी कंपनी का छठे नंबर पर आता है ये। मेट्रो जालपाई की फेवरेट मेट्रो। खाने वाली और मुंह में पानी आ गया। डिजाइनिंग कितनी की हुई इसकी, डिजाइनिंग ऐसी होती है भाई। सिर्फ लार्जेस्ट अर्बन कॉलोनी ऑफ इंडिया। ये बीच की तरह मजा लग रहा है। हाँ बीच है, बीच पर से ये गाँव है। ठीक है यार बाबे, आपने एक चीज है कि ग्रीनरी कितनी है यार यहाँ पे। ओ ठीक है, हरी फ्लेवर एडवर्स भी दोस्तों वीडियो आपने देखी। शुरू शुरू में स्टार्टिंग में कुछ चीजें थी ऐसी जो मतलब के बंदे को ना
शॉक्ड कर देती हैं हाँ कि बंदा ना बिल्कुल हैरान इतना हो जाता है कि वो कहता है कि यार ये इंडिया है, सबसे बड़ी बात जैसे है। वो रिंग में लाइट्स सॉरी बिल्डिंग्स वगैरह थी। बिल्डिंग्स बनी, वो ऐसी लग रही थी जैसे कोई हम मूवी देख रहे हो और उसमें वो खलाई स्टेशन खाते हैं ना, वो रोबोटिक मूवी जो होती है ना उसमें अक्सर इस तरह की बिल्डिंग ऐसी होती है, बिल्डिंग्स होती इस तरह की स्ट्रक्चर वहीं पे होता है। वही भी होता तो ये है रियलिटी में बनाना भी बड़ा मुश्किल होगा वाकई क्योंकि इस वाकई तरह का बड़ा स्ट्रक्चर मुश्किल जो बना होगा। होता है ना और ये, सबसे बड़ी बात वो इनकी जिगजैग जो रोड्स वगैरह हैं या वो वो चली उसके है। बारे में मैं आप हम तसल्ली से रिव्यू देंगे क्योंकि वो बहुत हाँ जबरदस्त थी। अब हाँ आते हैं अगली बात अमर भाई, यहाँ पे आपने देखा कि हर रिलीजन को हाँ फुली जो है वो अपनी आजादी है। अभी आजादी है। देखिए उन्होंने टेम्पल भी दिखाए, टेंपल भी दिखाए, उन्होंने मंदिर भी दिखाए, मंदिर भी दिखाए, उन्होंने गुरुद्वारे भी दिखाए, बिल्कुल दिखाए, उन्होंने मस्जिद भी दिखाए। मस्जिद भी दिखाई। ये चीज मुझे बहुत पसंद आई क्योंकि यही चीजें होती है किसी कंट्री में कि अगर किसी बंदे को वो अपनी जिंदगी बसर कर रहा है या उसका मतलब के कंट्री का मतलब शहरी है तो उसको वो चीजें सहूलियात फराहम की जाती हैं कि नहीं इंडिया में ये सब कुछ हो रहा है। अब बात आती है हम रोड्स की तरफ, रोड्स की जरूरत। अब रोड के बारे में आप बताएं आपको तो कैसी लगी। रोड ऐसा रोड का सिस्टम जो है ना ये मैंने पहले किसी भी वीडियो में नहीं देखा जितना, मतलब कि वो जिगजैग रोड इतने यार वीएपी तरीके से। ये रोड ऐसी रोड जो है ना वो चाइना में है लेकिन इसे यहाँ पर मुझे मैं देख के हैरान रह गया कि यार इतने मतलब कि दिलकश तरीके से उसे बनाया गया इसे जिगजैग नहीं हम कहेंगे, इसे हम कहेंगे फ्लाइंग ओवर जो है ना एक रोड से दूसरी है तो रोड, फ्लाइंग ओवर, फ्लाई क्योंकि ओवर। ये वजह यही होती है ना कि जहाँ पर बहुत ज्यादा रश हो तो उस बिल्कुल रश को जो है वो मिनिमाइज करने के बिल्कुल रोड की ऐसी रोड्स जो बनाई जाती लेंथ है हैं। ना वो ज्यादा लंबी कर दी जाती है ताकि लोग ज्यादा इजीली जो है ना अच्छा वो आपने कई जगहों पे देखा होगा वो फ्लाई ओवर ऐसे बने हुए थे, कुछ ऊपर से जा रहे थे, कुछ कुछ नीचे से नीचे से जा रहे कुछ थे, फिर उसके नीचे से जा रहे थे, फिर हाँ उसके ऊपर से जा और रहे फिर थे। इसके अच्छा ऊपर से वो इसी वजह से ना रश को थोड़ा कम करने के लिए। एक जगह पे देखा था आपने दरमियान में वो दायरे सी बना हुआ था लेकिन वो ट्रैफिक इस तरह की थी कि चारों तरफ से ट्रैफिक आए और चारों तरफ से घूम जाए, मतलब जो इधर से गाड़ी आ रही वो घूम के दूसरी तरफ दूसरी तरफ इस चली तरफ आ जाए। जाए इस तरफ आ जाए, मतलब जिस तरफ उसका दिल चाहे, रश भी ना पड़े और ट्रैफिक रूल्स के साथ हिसाब से वो चीज मैनेज करना और उसको बनाना बड़ा खूबसूरत अंदाज था। बिल्कुल सही बात है। तो मैंने फिर आगे आते हैं जो चेन्नई सिटी है वो सिक्स लार्जेस्ट लार्जेस्ट सिटी कंट्री है, है सिक्स लार्जेस्ट सिटी है इंडिया इंडिया का। की। इसकी इकोनॉमी का तो हमें नहीं पता लेकिन सुना है कि इसकी इकोनॉमी भी बहुत ज्यादा है, बिलियंस ऑफ डॉलर्स में है। तो फिर आपने इसकी वो बीच भी देखी, बीच क्या बीच पे बात, लोग नहीं है भी बीच देखे बीच हमने, हाँ लेकिन बीच प्यारी बनी हुई थी, बहुत साफ सुथरी जबरदस्त बीच थी। बनी हुई थी। अमर भाई वीडियो के अंदर कह रहे थे कि इतनी ग्रीनरी इतनी ग्रीनरी, हालांकि इतनी ग्रीनरी पहाड़ी इलाकों में होती है हाँ पहाड़ी इलाकों में जहाँ होती पे है। मतलब सब 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 मतलब होता है, बहुत ज्यादा पहाड़ों पे दरख्त होते हैं, वो उसी हिसाब से वो बिल्डिंग थी। हाँ तो आगे अमर भाई कुछ कहना चाहेंगे आप। बस मैं यही कहना चाहूंगा कि यही वजह है कि जो मतलब कि माहौलियाती लुदकी से जो है इस सिटी का नंबर बहुत मतलब कि कम जगह पे आता है, क्योंकि सबसे बड़ा पहले जो है वो आप लोगों को पता ही है कि दिल्ली आता है। तो मेन वजह इसकी फिर भी वो ग्रीनरी की होगी, क्योंकि इतनी ग्रीनरी है तो तभी वो फोग वगैरह वाला जो है ना वो सीन नहीं होता होगा यहाँ पर। मैं कहता हूं कि यहाँ पे जिस हिसाब से उन्होंने बिल्डिंग्स और रोड का जाल बिछाया हुआ है ना, यहाँ पे आपको पहले तो ट्रैफिक जाम नहीं मिलेगा, हाँ दूसरा ट्रैफिक आपको जाम भी लुदगी नजर रहेगा, कहीं भी नहीं आएगी। लुदगी लुदगी वाकई। वाला तो हम बात ही नहीं कर सकते ना, क्लीनेस्ट सिटी थी। बिल्कुल साफ सुथरा सिटी था यार। सबसे बड़ी बात है कि उनके जो बीच थे ना वो कितने वो क्लीन थे, क्लीन मेन चीज थे वहां वहां से पता चलता है कि जो सिटी है वो कितना साफ सुथरा है। बिल्कुल, ये बातें नोट करने वाली होती हैं किसी भी सिटी में। सिटी का मेयार तभी अप होता है जब उसमें रहने वाले लोग उस सिटी का खुद ख्याल रखें। जी जो बिल्कुल सही गवर्नमेंट कहा। होती है उसने सिर्फ एक प्लान बनाना होता है, बाकी अमल दरामद खुद लोग करते हैं, लोगों के तावन से ये मतलब पॉसिबल होता है। अगर लोग ही मतलब अपना तावन नहीं करेंगे तो गवर्नमेंट इसमें कुछ नहीं कर सकती। गवर्नमेंट सिर्फ आपको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर देती है, उसको चलाना उसको मैनेज करना आपके बस में आपके होता बस है, में होता आप अपने है, स्टाइल में करते हैं। बिल्कुल तो सही चेन्नई बात। के लोगों को ये समझ आ चुकी थी और उन्होंने इतना मतलब कि सिटी को मतलब कि मैनेज किया हुआ है कि आपको गंदगी कहीं पे नजर नहीं आएगी, कहीं भी नजर नहीं तो आएगी। आपको सफाई नजर आएगी और आप जितना अपनी कंट्री से अपनी सिटी से प्यार करेंगे उतना ही आपका सिटी ज्यादा खूबसूरत नजर खूबसूरत आएगा। नजर आएगा, तो बिल्डिंग्स भी वहीं पे बनती हैं जहाँ पे खूबसूरत लोग होते हैं और चेन्नई के लोग मुझे लगता है बहुत खूबसूरत होंगे। खूबसूरत हो गए। तो आज की वीडियो यहीं तक थी, मुझे उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा और कमेंट करके आपने जरूर बताना है कि कि वीडियो आपको कैसी ये लगी। वीडियो कैसी लगी, तो आज की वीडियो यहीं खत्म करते हैं। बिलाल जी को और मोहम्मद आमिर को दें इजाजत। गुड बाय, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज़।